करने में लैब में नहीं खाने जाते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अरविंद और आयरा दोनों जा चुके हैं और मैं इधर आ गई थी अपना किचन का काम करने के लिए, बर्तन वगैरह मांझने के लिए, क्योंकि अभी सोया हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं अपना फटाफट से काम ख़त्म कर लूँ। आपको पता ही है, फिर जब उठ जाता है तो मुझे करने नहीं देता, तो बस मैंने इसलिए सोचा कि चलो फटाफट कर लेते हैं। तो इधर लगभग मेरा सारा काम हो गया था और कबीर उठ गया, जिसको मैंने नहला भी दिया, और इधर मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। इसके बाद मैंने खुद नहाना है, तो सोचा चलो पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। और आज मैं फेस रिलीव अपना इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी आईज़ में प्रॉब्लम हुई पड़ी है, मेरी आईज़ में एक दाना निकल गया, जिस वजह से मैं अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ आपको। और ऐसा नहीं कि मैं अच्छे नहीं दिखूँगी, उसका मुझे टेंशन नहीं है, बट कहते हैं कि जब वो दाना निकले तो दिखाना नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ। तो लगभग मैं नहा चुकी थी और इधर मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने कहा चलो मैं अपने लिए सैंडविच बना लूँ। आज काफ़ी टाइम हो गया सैंडविच नहीं खाए, तो मेरा रोटी खाने का दिल नहीं किया नहाने के बाद। तो ये देखो मैंने एक चीट सैंडविच बनाया और बाकी मैं जो टोस्ट हैं वो उनको सेक लूँगी और चाय के साथ वो अकेले टोस्ट खाऊँगी। तो कभी कभी दिल हो जाता है इधर उधर। पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया था, रोटी बनाई थी मैंने, बट मेरा खाने का दिल नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इधर अपना टोस्ट बना लेते हैं, टोस्ट खा लेंगे आज। तो बस इधर वही लगी हुई हूँ मैं अपना टोस्ट बनाने के लिए। तो देखो वैसे तो टोस्ट जो होते हैं वो हमेशा टोस्टर में ही बनाती हूँ मैं, बट समटाइम मैं ऐसे जल्दबाजी अगर एक ही बनाना हो तो मैं तवे पे ही सेक लेती हूँ। और आप देख रहे हो कि साथ साथ मैंने ब्रेड भी अपने सेक लिए सिंपल, तो इसमें से अगर कबीर को खानी है तो कबीर भी खा लेगा, तो इसलिए मैं सिंपल ब्रेड भी सेक रही हूँ। और ये देखो जो चीज़ सैंडविच था वो कितने अच्छे से टोस्ट हो गया और चीज़ भी वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया। और सिंपली मैं इधर अपने दूसरे टोस्ट भी सेक लूँगी। तो और ये देखो दूसरा टोस्ट भी कबीर अगर कबीर ने खाना होगा तो वो भी खा लेगा। तो बस चाय के साथ ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट, और इसके बाद कबीर को भी खिला के तो थोड़ी देर कर लेंगे रेस्ट, क्योंकि आज मेरा सिर भी बहुत तेज़ दुख रहा है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब आपकी आईज़ में प्रॉब्लम हो ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट चाय, और ये दो प्लेन टोस्ट है जो सीख गया, ये चीज़ वाला, और ये देखो चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गया इसके अंदर। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो गाइज इसको देखो ये कैसे उल्टे काम कर रहा है, कितनी बार मैं हटा चुकी हूँ, चेयर फैल ले आता है ये, और ये देखो गिरेगा बहुत बुरी तरह से, देख रहे हो आप? छोड़ो छोड़ो इसको, ये देखो फिर जाएगा, फिर लेके आएगा, गिरेगा, मानता ही नहीं है। देखो 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 लड़के गिरेगा, इधर छोड़ो छोड़ो इसको, देखो कितनी दूर फेंको, ये बहुत गंदे काम करता है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4 बजे, और ये रेडी है ट्यूशन जाने के लिए। और ट्यूशन जाने के पापा ने पैसे क्या पापड़ खा दिया ये। तो चलो गाइस छोड़ के आते हैं इसको ट्यूशन, इतना भारी बैग लेकर। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4:50 और मैं अपनी एडिटिंग करने लगी हूँ, और साथ में है चाय और टोस्ट, और कबीर अपना खेल रहा है अंदर। और ट्यूशन से आने के बाद मैंने इसको दे दिया था, वो अपना टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है और अपना खेल रहा है अंदर, और मैं कर रही हूँ अपनी एडिटिंग। तो
तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, एडिटिंग खत्म कर लें अपनी फटाफट से, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस बजे हैं 6, आइए मेरे को तंग करने आ गया और मेरी अब एडिटिंग खत्म हुई है, तो चलते हैं किचन में बनाते हैं डिनर अपने लिए, अपने लिए कह रही हूँ, डिनर बनाते हैं आज सबके लिए। बाय कर दो, बाय बाय, पापा को बुलाओ, पापा को। दीदी 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 कहाँ गई, कहाँ गई दीदी, दीदी कहाँ गई, दीदी कहाँ गई, ट्यूशन ट्यूशन दीदी ट्यूशन गई, पापा पापा बैंक, पापा कहाँ गए, अच्छा कबीर कहाँ है, कबीर कहाँ है, हैं हाँ ठीक है, कबीर कहाँ है, कबीर कहाँ है, ओ ओ ओ अच्छा 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 अच्छा, ओ मेरा बच्चा कहाँ लग गया, इधर लग गई थी, ओ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा फिर गिरेगा, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, अच्छा बताओ। चलो गाइस मैं बनाती हूँ डिनर, आज डिनर में बनेंगे वाइट चने और चावल, तो गाइस इधर मैं बनाने लगी हूँ वाइट चने, इसको मैंने बॉईल करने के लिए रखने लगी हूँ और बॉईल करने के लिए बॉईल करते टाइम मैं इसमें डालूँगी चने पानी, और इसमें मैंने थोड़ी सी काल पीसी हुई काली मिर्च डाली है, दो इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक मोटी इलायची, और इसमें तेज पत्ता डालूँगी और चार लौंग डालूँगी। ये सब डालने के बाद हम कुकर बंद कर देंगे और इसको चार से पांच सीटी दिला देंगे, चने हमारे लगभग हो जाएंगे, ये सोख किए हुए चने हैं, और साथ में इसमें ऐड कर देंगे नमक, ठीक है, और थोड़ी सी हम डालेंगे हल्दी, तो बिल्कुल लाइटली डालेंगे और इसको हम बॉईल करने रख। गाइस देखना ये क्या खुराफत कर रहे हैं, आपको दिखाती हूं क्या कर रहे हो, इधर आ जा, आ गया कालू मदारी, गंदे काम करते हैं ना तू, गंदे काम करते हैं ना तू। तो गाइस चने जब तक बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ मसाला अपना तैयार कर रही हूँ जिसका मैंने तड़का लगाना, तो इसमें मैंने दो प्याज, एक इंच अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च और आठ दस लहसुन की कलियाँ लेके मैंने उनको चॉप कर लिया, और ये देखो फाइन चॉप हो गए हैं, तो अब लगाएंगे तड़का। तो एक पैन में मैंने तेल गरम कर लिया जिसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा और बस ये वाला मसाला जो मैंने चॉप किया था ये इसमें डाल के और इसको अच्छे से कर लेंगे ब्राउन। तो जब तक हमारे प्याज भून लें तब तक यहाँ हम टमाटर को भी चॉप कर लेते हैं। तो ये है टमाटर, दो बड़े टमाटर लिए, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी हम अच्छे से कर लेंगे चॉप, और ये देखो कितने फाइन चॉप हो गए हैं। तो बस तो तड़का हमारा यहाँ भून गया, अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर, और टमाटर को जब तक भुनेंगे जब तक ये पूरी तरह से गल ना जाए और अपना ऑयल सेपरेट ना हो जाए इसका,
तब तक हम इसको भूनेंगे। और थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा, इससे जल्दी ही आपका मसाला जो है वो भून जाएगा। तो इधर हमारे चने डन हो गए हैं, तो जो ये खड़े मसाले हमने इसमें डाले थे वो सब मैं बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि इनका काम जो है यहाँ पे हो गया ख़त्म। तो इनको सबको हम क्लीन कर लेंगे। अगर तो आपको मतलब कि टेस्ट अच्छा लगता है, अगर आप खाना चाहते हो तो बेशक रहन दो, बट ये खाए नहीं जाते हैं। कई लोग लौंग वगैरह तो चलो खा लेते हैं, बट मैं सब कुछ ही बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ निकाल लेते हैं, सब कुछ क्लीन कर लेते हैं, बच्चे भी इजली खा लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट है हमारा तड़का, हमारा डन हो गया है यहाँ पे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था वैसे, तो बस इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, और आधा चम्मच मैंने इसमें ऐड किया चना मसाला, तो उसको भी डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। और ये देखो हमारा जो तेल है वो सेपरेट होने लगा। तेल सेपरेट होते ही हम इसमें थोड़ी सी ऐड कर देंगे कस्तूरी मेथी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस रेसिपी को आगे शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मसाला हमारा जो है वो डन हो गया है, तड़का अच्छे से भून गया था, तो अब मैंने कुकर में उसको पलट लिया और चने के साथ मैं उसको सीटी दला लूँगी। तो जब तक हमारी सीटी मतलब आ रही है, तब तक मैं यहाँ अपने वॉश कर लेती हूँ जो बर्तन हमारे काम किए हैं, मैं साथ साथ वो भी वॉश कर लूँगी। और इधर अरविंद भी आ गए थे, जब तक मेरा बर्तन धुल रहे थे तब तक लगभग मेरा यहाँ सारा काम हो गया। तो साथ में ही मैंने चावल जो है वो बनाने रख दिए थे। तो गाइस शाम की हम गेड़ी शेड़ी पे निकल गए हैं, और बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा कि देखो फॉग डल रही है, और वो सामने हल्का हल्का आपको शो भी हो रहा होगा कि फॉग डल रही है, दिखे ये नहीं क्योंकि अभी इतनी नहीं है। तो चलो बस मेरा आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस यहाँ पे इस वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय गाइस, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और हम चल रहे गेड़ी शेड़ी पर, वो देखो सामने आपको फॉग दिखाई दे रही है, ओ देखो चलो बाय।